हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सखी रे। मैं हूं आप सबकी सखी और मेरा नाम है रे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें मैं शो करने वाली हूँ मेरे आई शेडो पैलेट्स। सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आई शेडो पैलेट्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स तो नहीं है, बट कुछ ऐसे आई शेडो पैलेट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और उसी के साथ आज तक जो भी मेकअप वीडियोज़ मैंने क्रिएट किए हैं, सारे मेकअप वीडियोज़ मैंने उन्हीं पैलेट्स के मदद से क्रिएट किए हैं। If you have a will, so there will be a lot of way. तो initially मुझे समझ में नहीं आता था कि एक आई शेडो पैलेट या दो आई शेडो पैलेट ही मेरे पास थे, तो इसके साथ मैं क्या क्रिएट करूँ। बट नाउ मुझे लगता है कि एक आई शेडो पैलेट के साथ तो मैं हज़ारों क्रिएट कर सकती हूँ आई मेकअप्स। और मुझे आई मेकअप क्रिएट करना बहुत 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 अच्छा लगता है। आई फील कि ये मेन पार्ट होता है पूरे फेस में। अगर आपका आई शेडो अगर बहुत अच्छी तरह से आप क्रिएट कर पाए तो दैट विल इंटायरली बूस्ट अप योर मेकअप और आपके पूरे मेकअप का पूरा लुक चेंज कर देता है। सेम मेकअप के साथ मैं अगर आई शेडो चेंज कर दूँ तो बस ये पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले मैं बता देती हूँ ये जो मेकअप लुक मैंने आज क्रिएट किया है ये मेरे चैनल में ऑलरेडी है। सो अगर आपको आज का मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं शॉर्ट्स में हमेशा हेयर स्टाइल देने की कोशिश करती हूँ, तो आज जो हेयर स्टाइल आप देख रहे हैं ये हेयर स्टाइल भी मैंने अपने शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आई शेडो पैलेट के साथ। सो दोस्तों जो सबसे पहला आई शेडो पैलेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चीके स्टाइल शेडो पैलेट। जो मेरे पास है वो है ये 12 आई शेडो पैलेट्स और नाम आप देख सकते हैं ग्रोन। और इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ, ये मेरा सबसे पहला आई शेडो पैलेट है और दिस इज़ द कलर्स दे हैव। अच्छे अच्छे कलर्स है बट मैक्सिमम मैट शेड्स है और उतनी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। अभी तो फ़िलहाल मैं उसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद जो है वो है शिवाना की तरफ से, तो ये आई शेडो पैलेट एक्चुअली मेरा सेकेंड आई शेडो पैलेट है और इसका जो कोड है ये 01 है। और इसी के साथ मैं दिखा देती हूँ, ये आई शेडो पैलेट मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे जो शेड्स है ये काफ़ी पिगमेंटेड है, मैक्सिमम शेड्स शिमरी है पर यहाँ पे मैक्सिमम ब्राउन का जो शेड है वही है, उसके अलावा कुछ शेड नहीं है। और यहाँ पे एक और आई शेडो पैलेट मैं दिखाती हूँ, ये है स्विस ब्यूटी की तरफ से। और ये जो पैलेट है ये पैलेट मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, सिर्फ 200 रुपये लिए थे इसके लिए। और ये जो आई शेडो पैलेट है ना ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड कलर है, इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और बिल्कुल गंदा हो गया था, पूरा टूट वूट गया था, उसके बाद मैंने इसे सेट किया है फिर से, तो अभी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही पिगमेंटेड है। मुझे तो ये पैलेट मैंने लिया था सिर्फ 200 रुपए में और स्विस ब्यूटी के पैलेट मुझे बेसिकली बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो आई शेडो पैलेट दिखाऊंगी ये मैंने लिया था अमेजोन से, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको लेके। इसकी प्राइसिंग भी मुझे ठीक ठाक से याद नहीं है बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राइसिंग इसके नहीं है। मेरे जो भी पैलेट्स हैं वो 500 से 550 रुपए के अंदर के ही पैलेट है, जब भी कोई ऑफर चलता है उसी वक्त मैं लेती हूँ। तो ये मार्स की तरफ से है जो कि ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है। और ये जो शेड है ये है 02 और इसका दो वर्शन है, एक शिमरी वर्शन है और एक मैट वर्शन है। तो ये वाला जो मैंने लिया है ये मैट वर्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे खूबसूरत से कलर है। और ये 27 का पैलेट है, मतलब 27 शेड्स है यहाँ पे। तो ये मेरा नेक्स्ट पैलेट है। आई कैन रिमेंबर एग्जैक्टली कि इसकी प्राइसिंग कितनी ली थी क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं इसको लेके। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें कुछ शिमर शेड भी हैं एक्चुअली। ये वाला शिमर शेड है, ये ऐसे कुछ थोड़े बहुत शिमर शेड हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मैट शेड हैं। तो इसका कलर पिगमेंटेशन की बात कर दूँ तो बहुत ग्रेट वो वाला तो नहीं है बट ठीक है, चलो ठीक ठाक है, मतलब 250-300 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक है। इसी रेंज में मैंने लिया था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा बट उसी रेंज में है। तो इसके बाद वाला आई शेडो पैलेट दिखाती हूँ। आई डोंट हैव वेरी मतलब जो ब्रांडेड कंपनी का जो होता है ना वो ऐसा कुछ ज़्यादा पैलेट्स मेरे पास नहीं है, बहुत कम पैलेट्स है जो बहुत ब्रांडेड कंपनी का है। तो ब्रांडेड कंपनी का कहते हैं
ये वाला दिखा देती हूँ। वेट एंड वाइल्ड का ये वाला पैलेट है मेरे पास और इसका नाम है रोज इन द एयर। ओके, तो और इसके शेड्स मैं दिखा देती हूँ। ये काफ़ी फेमस पैलेट है, छोटू सा पैलेट है। ये मेरा फर्स्ट परचेज है जो कि ब्रांडेड है, काफ़ी अच्छे ब्रांड का है, वेट एंड वाइल्ड कंपनी का है। और इसके शेड्स ना मतलब बहुत ही डैशिंग है, एकदम बूम पिगमेंटेशन है इसका, तो मुझे यह पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और इसकी प्राइसिंग वो 500 के आसपास की थी और मैंने ऑफ़र में लिया तो मुझे काफ़ी सस्ते में मिला, आई थिंक 399 और 350 ये कुछ रेंज का मिल गया होगा। तो इसमें दो शिमर शेड है, तो ये दो जो है ये दोनों शिमरी शेड है और ये क्रीज क्रिएट करने के लिए ये दो शेड्स दिए गए हैं और बाकी जितने भी शेड्स है काफ़ी पिगमेंटेड है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसे मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ, उसके बाद मैंने जो ख़रीदा वो है ये वाला मेबलिन का ये वाला आई शेडो पैलेट, नूड पैलेट है ये। और इसका नंबर मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा। ओके, आई कैन रिमेंबर एक्चुअली नंबर मुझे कहीं दिख नहीं रहा, मैं दिखा देती हूँ। तो ये है इसका पैलेट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैकिश शेड, क्योंकि मुझे उस वक्त ना बहुत ज़्यादा स्मोकी आइज़ क्रिएट करने का मन था तो इसलिए मैंने ये पैलेट ख़रीदा था। स्मोकी आइज़ वंडरफुल आता है, बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत अच्छे अच्छे इसके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल में है। और इसके साथ ये छोटू सा ये वाला दिया गया है, ये एक्चुअली ना पहले मुझे यूज़ करना नहीं आता था, आई थॉट कि ये क्यों देते हैं बेकार में, बट एक्चुअली ये काफ़ी यूज़फुल है। मैंने बाद में जब और भी अच्छा मतलब सीखा धीरे तो मुझे सारे ब्रशेज़ के यूज़ अच्छे तरह से पता है। तो ये मेरा नेक्स्ट पैलेट है, ये पैलेट भी 500 रुपये से कम है, 300 से 500 रुपये के रेंज में है। ये जो ब्रांडेड पैलेट्स मैं दिखा रही हूँ ये वाला, ज़्यादा खर्चा करने की मेरी हालत नहीं थी तो आई डोंट हैव अ बहुत सारे पैलेट और बहुत कीमती वाले पैलेट, तो और बहुत सस्ता पैलेट होता है ना तो ज़्यादा पिगमेंटेशन अच्छी नहीं होती है मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं पैसा कलेक्ट करती हूँ, 2-3 महीने बाद ही मैं ख़रीदूँगी, पर पिगमेंटेड हो ऐसे पैलेट से मैं ख़रीदूँगी। तो मैं बहुत रिसर्च करती हूँ एक सिंगल पैलेट ख़रीदने से पहले कि उसका पिगमेंटेशन कैसा है, फॉलो अप कैसा है, पाउडर ही तो नहीं है, बहुत सारे चीज़ें देख के उसके बाद ही मैं ख़रीदती हूँ। ओके, इसके बाद मैं जाती हूँ लैक्मे की तरफ से, ये वाला पैलेट मैंने उसके बाद ख़रीदा, नेक्स्ट ख़रीदा। तो इसमें भी ये वाला जो आता है ना ये वाला, ये इसके साथ भी है ब्रश और ये कुछ वाइब्रेंट कलर मैंने ख़रीदने की कोशिश की ताकि थोड़े अलग से मैं कोई वीडियो बना पाऊँ अलग अलग शेड वाले, तो इसके लिए मैंने ये ख़रीदा। यहाँ पे देखिए ये जो ये तीन जो कलर है काफ़ी वाइब्रेंट है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। ये पर्पल वाला कलर है ये भी बहुत अच्छा है और ब्राउन और ब्लैक तो एकदम कॉमन है क्योंकि कोई भी आई शेडो का अगर आप डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना ब्राउन और ब्लैक से बहुत अच्छा आता है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। सो मैं इसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ और ये वाला पैलेट भी मैंने 500 रुपये के अंदर ही ख़रीदा था, उससे ज़्यादा का मेरे पास कुछ खास पैलेट नहीं है। तो इसके बाद जो पैलेट है ये एक्चुअली बिल्कुल ब्रांडेड है, मतलब उसके पहले भी 3 ब्रांडेड दिखा है मतलब, पर ये वाला ना सबसे मेरा फेवरेट है। ये सिंगल आई शेडो पैलेट है, ये किको मिलानो की तरफ से है एंड ऑल ऑफ यू नो किको मिलानो काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो ये भी ऑफ़र में मिल रहा था। एक्चुअली ये मिल रहा था किसी शॉपिंग मॉल में, ये थोड़े ऑफर में मिल रहा था। इसका शेड है 04 और ये ब्राउन, ये मैं क्रीज लाइन क्रिएट करने के लिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसका पिगमेंटेशन ओ माय गॉड हेवनली है, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर ये सिंगल पैलेट मतलब एक आई शेडो के लिए मुझे 175 उस वक्त पे करने पड़े क्योंकि वो ऑफ़र में था, तो दो लेने पर एक एक 175 करके पड़ रहा था, इसलिए मैंने दो ख़रीद लिए। तो दूसरा वाला जो है वो है ये ग्रीन वाला शेड, इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और पर इसका कलर पिगमेंटेशन ये थोड़ा शिमरी शेड का है तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा वाला है।
तो इसे मैंने शायद एक बार यूज़ किया था, कैन रिमेंबर। ओके, इसका शेड नंबर मैं दिखा देती हूँ, इसका शेड नंबर है 27, ये भी सिंगल आई शेडो। तो ये दो वाले हैं, तो 175, ये दो 175 के मैंने उस वक्त खरीदे थे क्योंकि ऑफर में मिल रहा था, दो खरीदने पड़ेंगे तो फिर एक 175 करके आपको पड़ जाएगा, यानी कि 350 का दो मिल रहा था। तो ये दो आई शेडो पैलेट्स मेरे पास छोटे छोटे आई शेडो पैलेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक कलर का सिर्फ इतना ज़्यादा लग रहा है। तो इसके बाद जो है वो है, ये तो सबको पता है अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इनके अंडर द सी, इसे मैंने रिसेंटली परचेज किया था और आज का जो मेकअप है ये मैंने इसी पैलेट से किया है। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, एक पैलेट ले रही हूँ और उसी से मैं अपना मेकअप, पूरा जो आई मेकअप है उसी एक पैलेट से ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी मुझे कुछ जगह पे किसी और पैलेट से कोई कलर लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज का जो ये येलो कलर है ये थोड़ा पिगमेंटेड नहीं है, ये जो येलो कलर है ये पिगमेंटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पाउडरी सा है, अच्छा नहीं लगा मुझे ये येलो वाला। पर येलो को छोड़ के बाकी जितने भी कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और पिगमेंटेड भी है और बहुत अच्छा इसका, मतलब अल्टीमेटली जो यू कैन सी कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये शिमर के लिए मैंने वो स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया, पर उसके अलावा ये पैलेट बहुत ही अच्छा है, वर्दी है, बहुत ही सस्ते में मैंने इसे लिया था। इसका भी प्राइसिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, पर रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था, आई थिंक 250 के आसपास इसका प्राइसिंग मुझे पड़ा था, ऑफ़र में लिया था, ऑब्वियसली ऑफ़र में लिया था, नॉर्मली शायद ये 399 का आता है बट मैंने इसे ऑफ़र में लिया तो आई थिंक 250 का मुझे मिल गया, 199 या 250 इसमें से कुछ एक। तो ये है उसके बाद स्विस ब्यूटी का पैलेट, मैंने इससे पहले भी कहा था स्विस ब्यूटी के पैलेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ कुछ खरीदना है तो आप स्विस ब्यूटी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट है एक्चुअली। अगर आप बिगिनर हैं, आपको सीखना है कुछ, तो इतने कीमती प्रोडक्ट ना नॉर्मल घर में तो हम खरीद नहीं सकते, मम्मी पापा से पैसे लेके दो फिर इतने हज़ार रुपये का पैलेट खरीद के आए उसके बाद कुछ कर नहीं पा रहे। तो अगर सीखना है ना तो आप स्विस ब्यूटी के साथ आप ऑब्वियसली सीख सकते हैं, इसके सारे चीज़ें ना मैक्सिमम चीज़ें बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइसिंग बिल्कुल रिजनेबल है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ ये वाला जो पैलेट है और इसका नंबर जो है ये है 08, एज यू कैन सी 08, और इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी है, ये जो पैलेट है इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी है, पर मैंने ये लिया क्योंकि इसके कलरिंग बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा कलरिंग वाला पैलेट बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ भी मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था ना वो आई थिंक इसके साथ मैंने क्रिएट किया था, तो इसका पिगमेंटेशन भी ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ना एकदम रीजनेबल प्राइस में मिला, आई थिंक ये 199 या 150 रुपये ऐसा कुछ था, ऑफर में लिया था तो उस वक्त ऐसा कुछ प्राइस में ये मिल रहा था, तो ये मुझे बहुत सस्ता मिला एक्चुअली, पर कलर पे ऑफ ह्यूज। और अब मैं दिखाती हूँ मेरे पास जो सबसे बड़ा पैलेट है और सबसे कीमती पैलेट भी है, ये पैलेट मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का, ये 599 रुपीज़ लिया था, यानी कि 600 रुपये, ये एक ही पैलेट है जो पैलेट 500 रुपये से ज़्यादा है और स्विस ब्यूटी है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है और कितने सारे कलर है यहाँ पे, HD प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो ये है इसके इतने सारे कलर्स, बहुत खूबसूरत है इसके कलर्स, तो सारे कलर्स ना पिगमेंटेड नहीं है एक्चुअली, पर मैक्सिमम कलर्स पिगमेंटेड है, आई मीन 90% कलर्स जो है ना वो पिगमेंटेड है। तो मैंने इसके साथ काफ़ी सारे लुक्स क्रिएट किए हैं और इसके साथ काफ़ी सारे और लुक्स मैं क्रिएट करने वाली हूँ, तो आप जुड़े रहिए, ऐसे अलग अलग अच्छे अच्छे सारे आई शेडोज क्रिएट करने वाली हूँ, मेकअप वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखते रहिए। तो ये पैलेट मेरे जितने भी पैलेट्स हैं इसमें सबसे कीमती था और यही लास्ट पैलेट है, आई डोंट थिंक और कुछ भी रह गया है। ओके, लास्ट एक रह गया है, वो है स्विस ब्यूटी का लूज पिगमेंट,
ये एक सिंगल लूज पिगमेंट है जो मेरे पास है, इसके अलावा कोई भी पिगमेंट मेरे पास नहीं है। ये भी मैंने ऑफ़र में ख़रीदा था, आई थिंक 150 रुपये के करीब मुझे लगा था, कुछ ऑफ़र चल रहा था। और मैं क्या लूँ, कौन सा लूँ, क्योंकि एक ही लेने वाली थी मैं, तो गोल्डन लूँ या तो फिर सिल्वर ले लूँ, ये काफ़ी सोचने के बाद अल्टीमेटली मैंने कॉपर कलर ख़रीदा। कॉपर कलर काफ़ी सारे कलर के साथ चला जाता है, तो इसका जो नंबर है वो है 04, एडजस्ट होप की दिख रहा है। तो ये पिगमेंटेड तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन रहता है, बट इसका फॉल ऑफ होता है, तो ये थोड़ा गिरता रहता है नीचे, तो ये थोड़ी सी एक इसकी बुरी बात है। बट एंड ऑफ द डे अगर आपको सस्ते में कुछ चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, तो ये आपका हो सकता है। थोड़ा आपको पाउडर लगाना पड़ेगा ज़्यादा करके, ताकि जो भी फॉल ऑफ हुआ है सारा मेकअप होने के बाद उसे आप डस्ट ऑफ कर सकें, तो उसके बाद आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आप डस्ट पार्टिकल की बात करें, जो यहाँ पे पिगमेंट दिया गया है उसका डस्ट पार्टिकल बहुत स्मूथ तो नहीं है, बट या इट्स अ गुड सो मतलब ठीक है, मतलब 10 में से 8 नंबर तो दे सकते हैं, ठीक है, तब 10 में से 10 नहीं मिलेगा बट 8 तो मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एंड। तो सारे मैंने जितने भी मेरे पास थे आई शेडो पैलेट, वो मैंने सारे आपके साथ शो कर लिए हैं। इनमें से कौन सा पैलेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही इन सारे पैलेट में से कौन सा पैलेट यूज़ करके, अगर आपको लगता है कि कोई सिंगल पैलेट यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँ कि इस पैलेट के साथ आप क्या क्या लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं वो भी दिखाऊँगी। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे पर्टिकुलर पैलेट के बारे में बता दें कि इस पैलेट के साथ लिखना है, तो मैं वो भी क्रिएट करके बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, वर्थी लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।